अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग भाई। जैसा कि आप लोगों को पता है, पिछले महीने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बजट अनाउंस किया है। उस बजट के अंदर स्मार्टफोन्स के ऊपर 18% सेल्स टैक्स को लगाया गया है। उनका कहना यह है कि भाई ये लग्जरी आइटम है, इसके ऊपर 18% सेल्स टैक्स लगाया जाए। ऑलरेडी 17% सेल्स टैक्स लगा हुआ है, लेकिन उसके बाद हमें 18% सेल्स टैक्स देखने को मिल रहा है, यानी कि जो स्मार्टफोन की प्राइसेस कम हुई थी वो दोबारा से इंक्रीज होंगी। जून के मंथ में ये बजट अनाउंस हुआ है, जुलाई के मंथ में ये बजट अप्लाई हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ स्मार्टफोन्स कंपनीज ने अपने स्मार्टफोन की प्राइसेस को कम कर दिया है, वो मैं आप लोगों को आगे चल के बताता हूँ। इसके अलावा 18% सेल्स टैक्स जो है वो आप लोगों को उस टाइम भी देना पड़ेगा जब कोई पार्ट्स इंपोर्ट करोगे आप लोग फॉरेन कंट्री से स्मार्टफोन असेंबल करने के लिए, तो उसके ऊपर भी 18% सेल्स टैक्स देना पड़ेगा। इसके अलावा 25% सेल्स टैक्स उन स्मार्टफोन के ऊपर आप लोगों को देना पड़ेगा जो कि $500 से ऊपर के हैं। अब मैं आप लोगों को बताता हूं किन स्मार्टफोन्स के ऊपर कितना इंक्रीज देखने को मिलेगा। देखो यार, ये जो कीपैड वाले फोन है इनके ऊपर 500 से 700 रुपए हमें इंक्रीज देखने को मिलेगा, लेकिन जो स्मार्टफोन्स हैं इनके ऊपर हमें थोड़ा सा ज्यादा इंक्रीज देखने को मिलेगा, यानी कि 7000 से लेकर 10000 रुपए तक हमें इन स्मार्टफोन के ऊपर इंक्रीज देखने को मिलेगा। लाइक जो 40000 वाला फोन है वो हमें कुछ 50000-52000 रुपए में देखने को मिल सकता है। ये तो नए फोन्स के ऊपर हमें टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन अगर आप लोग किट फोन का सोच रहे हैं कि यार हम तो किट फोन ले लेंगे, तो भाई ऐसा नहीं है। किट फोन के ऊपर भी हमें इंक्रीज देखने को मिलेगा, क्योंकि किट फोन जो है वो पीटीए अप्रूव करवाना पड़ता है। पीटीए ने भाई टैक्स को इंक्रीज कर दिए है, मतलब कि जो 40000 वाला फोन है वो तकरीबन अब आप लोगों को जो है वो 50000-52000-55000 रुपए में देखने को मिल सकता है। और इस टाइम पाकिस्तानी गवर्नमेंट पाकिस्तानियों के साथ टैक्स ही खेल रही है, इसके अलावा हमें दूसरा कोई भी ऑप्शन नजर नहीं आ रहा। लेकिन टैक्स अप्लाई होने के बाद कुछ स्मार्टफोन्स की प्राइसेस ड्रॉप हुई हैं जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। वैसे थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो गया, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बातें थी जो आप लोगों के लिए जानना जरूरी थी। खैर, सबसे पहले फोन की बात करूं तो ये फोन आता है इन्फिनिक्स की तरफ से, इन्फिनिक्स का नोट 40। इसके ऊपर रिसेंटली 5000 रुपए का प्राइस कट आया है। 8GB रैम, 256GB रोम वाला वेरिएंट पहले पाकिस्तानी मार्केट में 55000 की प्राइस में सेल हो रहा था, लेकिन इसके ऊपर 5000 रुपए का प्राइस कट आया है। अब ये स्मार्टफोन आप लोगों को 50000 की इनवॉइस प्राइस के ऊपर मिलेगा। देखो यार, दो चीजें हो सकती हैं। ये पहली बात कि स्मार्टफोन सेल नहीं हो रहा, इसी वजह से भाई इसकी प्राइस जो है वो ड्रॉप हुई है, या फिर दूसरी बात यह है कोई नया स्मार्टफोन आने वाला है इसलिए भाई इसके ऊपर प्राइस ड्रॉप आया है। इसके बाद जो दूसरा स्मार्टफोन है ये है मोटोरोला का मोटो G84। इसके ऊपर भी भाई 5000 रुपए का प्राइस कट आया है। पहले ये स्मार्टफोन 75000 रुपीज की प्राइस में मिल रहा था, 12GB रैम, 256GB रोम वाला वेरियंट, लेकिन अब ये स्मार्टफोन आप लोगों को 70000 रुपीज की प्राइस में इजिली मिल जाता है। मेरे ख्याल में ये स्मार्टफोन सेल नहीं हो रहा है, इसलिए भाई इसके ऊपर प्राइस कट आया है, या फिर ये भी हो सकता है कि भाई मोटोरोला हो सकता है भाई पाकिस्तान में कुछ नया लॉन्च करने वाला हो, कोई नए स्मार्टफोन लाने वाला हो, इसलिए भाई इस स्मार्टफोन की प्राइस ड्रॉप की गई हो। लेकिन वैसे मोटोरोला के स्मार्टफोन तो इस टाइम पाकिस्तान में मिल ही नहीं रहे भाई, शार्ट हुए पड़े हैं। इतने लोग कह रहे हैं यार हमें मोटोरोला का G23 चाहिए, G54 चाहिए, लेकिन मोटोरोला का स्मार्टफोन मिल ही नहीं रहा। इसके बाद जो तीसरा स्मार्टफोन है ये है पोको का C65। आप लोगों को पता है कि ये फोन 45000 की प्राइस में लॉन्च किया गया था। 8GB रैम, 256GB रोम वाला वेरिएंट, बिल्कुल भी ये स्मार्टफोन सेल नहीं हुआ। शायद कई एक दो बंदों ने स्मार्टफोन को परचेज किया हो, लेकिन ये स्मार्टफोन मार्केट में बिल्कुल भी सेल नहीं हुआ था। इसके ऊपर बहुत बड़ा प्राइस कट आया है। अब ये स्मार्टफोन आप लोगों को 32000 रुपीज की इनवॉइस प्राइस के ऊपर मिल जाता है। मार्केट में हो सकता है कि भाई डिस्काउंट भी मिल जाए, यानी कि इसके ऊपर 13000 रुपए का प्राइस कट आया है। भाई पहले ही आप अच्छी प्राइस में लॉन्च कर दो, आप लोगों को जो है वो कम ना करनी पड़े प्राइसेस, लेकिन ब्रांड जो है वो पता नहीं किस तरीके से सोचता है। खैर, ये वो तीन स्मार्टफोन है जिनके ऊपर प्राइस कट आया है। आप लोग इनमें से अगर कोई स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि अगर किसी ने परचेज करना है उसको एक बेटर आइडिया मिल सके। फर्दर आप लोग का कोई भी क्वेश्चन है आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कमेंट में आप लोग को रिप्लाई नहीं मिलता तो काइंडली भाई इंस्टाग्राम पे आके फॉलो करके वहां पर मैसेज करें, मैं आप लोग को 100% रिप्लाई करूंगा। सो उम्मीद करता हूं गाइस आज की वीडियो आप लोग को काफ़ी ज़रा अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो भाई वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, एक अच्छा सा कॉमेंट करो, सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।